भैया जैसे कि आपको दिख रहा हो घड़ी में बज रहे हैं 7 और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सोमवार है आज और सोमवार को रहता है मेरा फास्ट। तो आज मैंने सुबह से मखाने खाए हैं और मूंगफली के दाने खाए हैं बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाया है। तो अभी मेरी वाइफ मेरे लिए बना रही है पराठे, क्योंकि एक टाइम मैं खा सकता हूँ, मैं 16 सोमवार व्रत नहीं रख रहा हूँ, 21 सोमवार रख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा बताया गया है कि 21 सोमवार वाले व्रत में एक टाइम कुछ भी आप अन्न खा सकते हो, मतलब कि जो भी आप वीट वगैरह होता है, वीट मीट नहीं वीट, तो गेहूँ वगैरह, तो उसकी कोई भी बनी हुई चीज़ खा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वाइफ कुछ पनीर वगैरह से बना रही है और जिसमें आलू वगैरह की सब्ज़ी भी रहेगी बिना मिर्च मसाले वाली। मिर्च तो खा सकते हैं भैया, मसाले नहीं खा सकते, जैसे कि नमक वगैरह नहीं खपता है व्रत में, जैसे कि आपको पता होगा, तो वो नहीं डलेगा। और मुझे अभी जाना है मंदिर के लिए, तो मंदिर मैं यहीं पास में जा रहा हूँ, पड़ोस में मंदिर है शंकर जी का, तो दिखा देंगे आपको कुछ उसके बारे में भी थोड़ा सा। तो भैया फटाफट निकलते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अभी वीडियो मेरी एक लाइव होने वाली है, आज शाम को ही कर रहा हूँ शिवम कंप्यूटर्स वाले चैनल पे, क्योंकि भैया दिन में टाइम नहीं मिला। और मैंने जो 365 डेज़ वाला था ब्लॉग डाला था मैंने इस वाले चैनल पे, वो मैंने डिलीट कर दिया। क्यों किया वो, इसलिए किया भैया क्योंकि मोटिवेशन, लेक ऑफ मोटिवेशन, कल मुझे रात में ही लगने लगा था पता नहीं क्या कि डेली ब्लॉगिंग मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, रात को 2-2, 2:30 बजे, 2:30 बजे तक मैं एडिटिंग करता रहता था बैठा बैठा। लेकिन फिर मैंने आज 2-3 और वीडियोस देखी कई सारे लोगों की, कई सारे क्रिएटर्स की, तो उन्होंने सजेस्ट यही किया भैया अगर आप न्यू ब्लॉगर हो तो कंटिन्यूसली ब्लॉग करते रहो, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में थोड़ा थोड़ा दिखाओ, भले ही 2-3 मिनट का ब्लॉग बनाओ, ज़्यादा हो पाता है तो 8-10 मिनट का बना दो, ठीक है, वैसे कोई आपको देखेगा नहीं अभी 8-10 मिनट तक, तो आप छोटा छोटा ही ब्लॉग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रही और आपको भैया एडिटिंग करने में भी, मतलब जो आगे परेशानियाँ आएंगी जब आप बाद में शुरू करो वो परेशानियाँ, वो अभी आप समझने में लग जाओगे। तो ये जब कभी बाहर जाते तो आप अच्छे से ब्लॉगिंग कर पाओगे, और जो आपका कैमरे फेस करने का तरीका होता है वो भी अच्छा हो जाएगा, और लोगों के सामने आप किस तरीके से बात कर रहे हो उसको भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे से कोई निकल रहा है, ये नहीं रहा, ये सामने से निकल रहा है, कैसे देखो अब मैं बोलूँ कैमरे के सामने, तो ये इस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है आगे चल के, तो उसकी समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है अगर आप अभी से ब्लॉगिंग शुरू कर दोगे। तो भैया मैं सोच रहा हूँ, मैं डेली अगर नहीं हो पाता किसी प्रॉब्लम की वजह से तो वो बात अलग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यूसली डालता रहूँ, कुछ ना कुछ तो डालता ही रहूँ भैया, जो कर रहा हूँ लाइफ में, लाइफ इंटरेस्टिंग हो चाहे ना इंटरेस्टिंग हो, नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्टिंग बनाने का कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा। उस दिन का ब्लॉग मैंने इसीलिए डिलीट कर दिया था और कल का ब्लॉग मैं इसीलिए नहीं डाल पाया, लेकिन आज मैं एडिटिंग करूँगा, भले ही रात को 2 बज जाए या फिर जल्दी सो जाता हूँ तो सुबह जग के एडिटिंग करूँगा, और कल सुबह 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक ये ब्लॉग लाइव हो जाएगा। सत्यम जैसे कि रूम में आ चुका है, अभी भैया फ़ोन आ गया था किसी कस्टमर का, तो बीच में कैमरा इधर उधर हो गया, क्या मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ और इसी में भैया फ़ोन वगैरह आ जाता है, DND लगाना भूल गया था। तो 15 से 20 मिनट में निकलते हैं यहाँ से और फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ कैसा क्या मंदिर है। तो भैया पूजा वगैरह करने के लिए सामान ले लिया है, जिसमें कुमकुम है और इसमें चंदन है, ये मिठाई है चढ़ाने के लिए प्रसाद में, और ये 2 दिए लिए चढ़ाने के लिए। चलते हैं फटाफट मंदिर। ये पसीना आ गया, देख रहे हो ना कितना। A few moments later. तो ये खाना बन चुका है अपना, थाली भी लग चुकी है, 2 पराठे 3 भी हो सकते हैं, और ये सब्जी है, और इसमें पनीर कहाँ है, पनीर मुझे डालना पड़ेगा। खुशी बार 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 पनीर ये रहा। मतलब ये कच्चा पनीर ही खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसको रखते हैं साइड में थोड़ा।
देख रहे भैया फ्रेश फ्रेश बनी हुई बिल्कुल ताज़ा ताज़ा घर का बना हुआ है ये। The next day. तो भैया दूसरा दिन हो चुका है और रात को मैंने ज़्यादा कुछ खास ब्लॉगिंग की नहीं थी क्योंकि मेरे सर में हो रहा था दर्द और मैंने खाना खा के थोड़ी बहुत छत पर टहलने गया था वाइफ के साथ और आके सो गया। तो अभी घड़ी में 10 बजने वाले हैं, 9:40 हो रहे हैं, तो हो सकता है 11 या 12 बजे तक ये वीडियो लाइव हो जाए। कल से कोशिश करूँगा टाइम पर वीडियो डालने की, 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक वीडियो लाइव हो जाया करे। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पर मेरी एक फुंसी हो गई है, वीडियो में काफ़ी और सी लगती है। अब हो सकता है डेटॉल वगैरह तो लगा रहा हूँ, क्या पता कब तक ये जाए, हो सकता है 2-3 दिन लग जाए। तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।